इसे कहते हैं पत्थर का जवाब ईंट से देना और टक्कर के लोगों से पारा पड़ना। भारत को एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल वैल्यू पर खेलने हैं ना, तो बिस्मिल्ला पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वैल्यू पर खेलेगा। मतलब पीसीबी ने बीसीसीआई और आईसीसी को लाल झंडा दिखा दिया। अगर सिक्योरिटी का मसला भारतीय टीम को है तो पाकिस्तानी टीम को भी है। अब आ जाओ मैदान में। और मजे की बात ये है कि आईसीसी ने पीसीबी की बात मान भी ली है। अब इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी अपने मौके पर डटे रहे और एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बीसीसीआई ने कहा कि उनकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, इसलिए टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। सेठी ने भी कहा कि फिर हमें भी सिक्योरिटी का मसला है। अब पाकिस्तान के मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू भी डिसाइड कर लिया गया, मगर ये मैचेस होंगे कैसे, ये अहम सवाल है जिस पर एक बार फिर आईसीसी की बैठक जमेगी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस किस वेन्यू पर होंगे, किस मुल्क में पाकिस्तान के मैचेस होने का इम्कान है? अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचती है तो फिर क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया जाएगी? क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल बड़ा फाइनल है और फाइनल के लिए दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सेलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पर आईसीसी ने क्या कहा? वर्ल्ड कप आईसीसी करवाता है, क्या आईसीसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर मान गया? अब अगर इंडियन टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आती तो उनके मैचेस किस मुल्क में होंगे? क्या न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों बोर्ड्स में इत्तेफाक हो गया या नहीं, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। दोस्तों अब हिसाब वही है, तुम्हारी टीम नहीं आ सकती तो हम भी नहीं आएंगे और हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इंडिया के इनकार के बाद पीसीबी ने भी बीसीसीआई के बाउंसर पर छक्का मार दिया। वनडे कप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शिरकत करेगा मगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ये बातचीत हुई आईसीसी इजलास के साइडलाइंस पर नजम सेठी, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और आईसीसी चेयरमैन के दरमियान। इस गैर रस्मी मीटिंग में आईसीसी चेयरमैन ने जब दोनों बोर्ड्स के सरबराहों से पूछा कि ये सब कैसे होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं और पाकिस्तान इंडिया को, तो नजम सेठी ने कहा कि जैसे एशिया कप करवा रहे हैं वैसे ही वर्ल्ड कप करवाओ, यानी पाकिस्तान के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर और न्यूट्रल वेन्यू बांग्लादेश होगा। जय शाह ने भी नजम सेठी के मौकफ की तायीद की और कहा कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब मसला ये भी है कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो क्या होगा, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों बोर्ड्स के दरमियान दोबारा मीटिंग होगी क्योंकि इस पर कोई फाइनल फैसला ना हो सका। अब एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने एक तूफान खड़ा कर दिया कि नहीं भाई, वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा और पाकिस्तानी टीम भी इंडिया ही जाएगी। अब ऐसे थोड़ी होता है भाई, माना कि बीसीसीआई अमीर बोर्ड है मगर पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप कैसे करवाएंगे? पाकिस्तान नहीं तो वर्ल्ड कप की रेटिंग नहीं और पैसा भी नहीं, ये तो बीसीसीआई भी जानता है। एशिया कप सितंबर में खेला जाना है और मेजबानी पाकिस्तान के पास है। वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाना है और मेजबानी इंडिया के पास है। ना ही पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर कराना चाहता है और ना ही इंडिया, मगर फाइनल डिसीजन आईसीसी करेगा और ये फैसला अगले चंद महीनों में होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।